Assalamualaikum, कसौटी एट ओपन माइक कैफे पे मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, बब्बू राणा, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। साहब मेरे को आपसे एक बात करने का। जी यही, क्या आप बहुत गरीब है? नहीं मैं गरीब नहीं है साहब। साहब पिछले एपिसोड में आपने मुझसे इतना बात नहीं किया, मुझे लग रहा है आप इस एपिसोड में बात नहीं करोगे मुझसे। जी ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है आपको? बुलाया क्यों साहब? सिर्फ बिठाने के लिए कि आप बैठे हुए अच्छे लगते हैं। आपको शौक था देखने का लाइव खुद आके, तो आपका शौक पूरा नहीं हुआ? शौक तो पूरा हो गया, लेकिन साहब मेरे को आपको हराने का है। हरा लीजिएगा ना, बाद में हरा लें। बहुत सारे लोग दिल में तमन्ना लेके आते हैं कि आपको हराए, लेकिन हार के चले जाते हैं। अच्छा चलिए, बहरहाल रोए ना ये साहब भी जो आए हैं, ये भी हमें हराने ही आए हैं, तभी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमें हारने का भी मजा आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रब्बानी चिश्ती। अरे चिश्ती साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन मैं UAE अराउंड अ डेकेड मैं बैंकिंग सेक्टर को सर्व करके वापस पाकिस्तान आया हूँ। मुझे कोई इजाजत नहीं है बैंकिंग के बारे में कुछ भी कहने। डिजास्टर हो सकता है। जी स्टार्ट करते हैं। जिस्ती साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द। जिंदा? जिंदा। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? जी। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? जी जी। लेट्स गो टू सेंट्रल यूरोप या शोभे की तरफ। सेंट्रल या वेस्टर्न? हाँ शोभे भी जा। शोभा जो है ना, पहले अगर आप एरिया डिटरमिन कर लें ना, इलाका जियोफेंसिंग कर लें तो सहूलत हो जाती। ठीक। ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से है? जी। दैट मींस फ्रांस। हाँ दैट मींस फ्रांस। क्या कहने चिश्ती साहब, तुम बैंकर करते क्वाल बहुत लग रहे हो। क्योंकि क्वाल ने फिक्र आलम कौना जी दा। अब शोभे पे आ जाए। ताल्लुक शकील साहब क्या ज़हन में आता है? फ्रांस। फ्रांस में फैशन है, इल्म फजल है और पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स सरे फहरिस्त है। आइए, फुटबॉलर्स बहुत ज्यादा है फ्रेंच। स्पोर्ट्स से ताल्लुक चिश्ती साहब? नहीं स्पोर्ट्स नहीं। नहीं ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है भैया? जी। ओके पॉलिटिक्स अलाइव अलाइव मैक्रॉन। मेरा नहीं ख्याल कि उसका नाम भी लेना पसंद करें। हां बिल्कुल ये भी है, और आपने भी लिया ना नाम, अब आप कुली कीजिएगा। हां और दूसरा ये कि मित्रां इज डेड। मित्रां इज डेड, बड़ा कमाल का आदमी पिछला जो था सरकोजी। सरकोजी फिट्स द बिल। अच्छा जी, ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से? जी। ले ये एक करप्शन केस में अंदर भी रहे हैं? जी। हमारी अगुस्टा 90B में यहाँ के किसी साहब के साथ इन्होंने लेन देन किया था? जी। वो बेचारा जेल में है और यहाँ जिसने लेन देन किया था उसका जादू आजकल सर चढ़ के बोल रहा है? जी जादू तो सर चढ़ के बोल रहा है उसका। तो फिर आपने सरकोजी पूछा है। डॉक्टर साहब जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला आजम मेऊ। मेऊ साहब आपका ताल्लुक कहाँ से? हुजरा शाह मुकीम उकाड़ा से। अरे वी हैव एन उकाड़ा शाह मुकीम। इसी क्या है जी हुजरा शाह मुकीम? हुजरा शाह मुकीम एक बहुत बड़ा श्राइन है वहाँ पे, बुजुर्ग बुजुर्ग हैं उनके, जिनका इस वक्त खेल रजा अली गिलानी है। उसके वालिद पीर अफजाल शाह जो पॉलिटिशियन भी हैं, सूबाई वजीर रहे, वजीर सेहत रहे बड़ी तवील अरसा तक, तो रजा अली गिलानी कंटेस्ट करेंगे फिर। वो भी सूबाई वजीर रहे हैं, क्योंकि वो हारते जीतते रहते हैं। अच्छा मेयो साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? नो। नो। जिंदा? यस। ताल्लुक एशिया से? यस। एक खातून जिसका ताल्लुक एशिया से और वो जिंदा है, ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस। जनूबी एशिया से ताल्लुक, जनूबी एशिया से ताल्लुक है तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी हो सकता है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ताल्लुक है जी? यस। काम आसान भी आए स्ट्रेट वे। शुरू करें सियासत और हुकूमत से। सियासत हुकूमत शोबिज फजल में बहुत कम है जो इस वक्त जिंदा जो लोग हैं ना, बहुत कम है। शोबिज से किया जाए शुरू। ताल्लुक शोबिज से है भैया? यस।
अच्छा जी, शोबिज से ताल्लुक है? ताल्लुक शोबिज से है तो गोया एक्टर वजह शोहरत अदाकारी है, मौसीकी है, ये ज़हन में रखिए, मौसीकी होगी मोस्ट प्रॉबेबली। पहले अदाकारी, वजह शोहरत अदाकारी है? यस yes. फिल्म है या टीवी है? यस दैट इज इम्पोर्टेंट। वजह शोहरत टेलीविजन है? नो फिल्म। एंड शी इज अलाइव? यस। इज शी रिटायर्ड? नो। इज शी रिटायर्ड? ये बड़ा आम सवाल। कितने सवाल हुए? 6 सर, 8। 8 मियो साहब रिटायर हो चुके हैं। बाज़ुकात रिटायर्ड लोग भी कभी कभी किसी रोल में आ जाते हैं, अगर हम पूछें कि 65 से ऊपर या 60 से ऊपर। चलिए हाँ, यू आर राइट। मियो साहब 60 से ऊपर एज? यस यस। ज़ेबा जी? ज़ेबा है, बाबरा शरीफ। ज़ेबा इज़ अलाइव? दीबा जी, तीनों दीबा इज़ अलाइव। टॉप की हीरोइन शो इज़ अलाइव? निशो भी वन ऑफ द हीरोइंस। ये जो तीन है ये टॉप की हीरोइन। हमारे पास हीरोइंस जितनी है ना, आपकी रीमा उससे ज्यादा हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आपकी मीरा भी है। रीमा इज प्रोबेबली नॉट 60, 60 प्लस। कम देखें, उम्र वो है जो वो मानती हो, इसलिए एलिमिनेट करें इन्हें। फिर आलिया भी जिंदा है? आलिया भी जिंदा है। शी लिव्स इन कनाडा दो दो में डिवाइड है यहां पे। आलिया यहां पे ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा सिर्फ आसिया थी। मुमताज, मुमताज आसिया एंड मसरत नजीर। मसरत नजीर उस कनाडा कैनेडियन। ये सारी मैं तीनों कैनेडियन बता रहा हूँ, ये कनाडा। और मसरत नजीर को रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं। Does she live abroad? हाँ। Does it make sense? या ये कि लाहौर में रहती हैं इस वक्त? इसमें कौन कौन एलिमिनेट होगा? इसमें जो अब्रॉड रहती है ना, जो बड़े, मसरत नजीर, मुमताज, बस दो ही। लाहौर से क्यों ना शुरू किया जाए, क्या लाहौर में रहती है इस वक्त? और अंजुमन जो है वो लंदन थी, वापस आ गई हुई है, मेरे ख्याल यहीं रहती हैं। यहीं रहती हैं। अच्छा जनाब, इन्होंने ज्यादातर काम, देखो इसमें दो कवर हो जाएंगी, दो कवर हो जाएंगी। इनका शोराफाक काम शबाब पिक्चर्स के तहत हुआ? जी जी। अच्छा ये बताइए कि अब लाहौर भी अगर कहेंगे तो दोनों लाहौर में रहते हैं? लाहौर में। गुलबर्ग कहेंगे तो दोनों गुलबर्ग में कवर हो जाएंगे? नहीं, ज़ेबा जी डीएचए में रहती हैं, क्यू ब्लॉक। अब वो डीएचए में रहती हैं, पहले शी हैड अ वेरी फेमस, बिल्कुल सड़क। लाहौर में उनके नाम पर सड़क है कोई? यस, क्योंकि बाबरा शरीफ के नाम पर सड़क नहीं है। अरे ये बात। एंड बाबरा शरीफ केम फ्रॉम शेखुपुरा बाय द वे। अच्छा, इंसान और आदमी की हीरोइन पूछी है आपने? जी। आपने ज़ेबा जी पूछी। यहां लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा हसन। हमजा साहब कहां से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली मंडी बहाउद्दीन से हूं और लाहौर में जॉब कर रहा हूं। ओके, वेलकम टू द कैफे। जी हमजा साहब, शख्सियत मर्द? यस सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशिया? यस सर। ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। अच्छा हमजा साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके शोभा, 2 के नजदीक जी। 72 तो सियासत और हुकूमत? सियासत और हुकूमत। हमजा साहब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। ताल्लुक शोबिज से? नो सर। नो स्पोर्ट्स। 1972 इल्म ओ फजल से ताल्लुक होगा? हो सकता है। इल्म ओ फजल से ताल्लुक है भैया? यस सर। इल्म ओ फजल 1972। 9 क्वेश्चंस। 72 में इंतकाल हो गया था? हां यस। 72 के आसपास। आसपास शायर? नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट अब या वो नॉवल निगार हैं या शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कहानी नवीस हैं। जोश? जोश मलियाबादी। ही डाइड लेटर? जी। व्हेन? हाउ मच लेटर? मेरे ख्याल 80s में उनकी डेथ हुई है। भैया शायर हैं कोई? यस सर। शायर हैं, गुड। मुस्तफ़ा जैदी पूछे जा चुके हैं? मुस्तफ़ा जैदी पूछे नहीं गए? नहीं। ही डाइड आई थिंक 72। हाँ 72। मुस्तफा जैदी तो वो भी थे ना, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट भी। आइए
क्योंकि अकेले मुस्तफा जैदी नहीं, इंशा जी उठो वाले भी इंशा, वो भी ब्यूरोक्रेट इब्ने इंशा, इब्ने इंशा एंड इब्ने इंशा डाइड इन लंदन। ये एक अलग बात है, लेकिन अगर पीरियड वही है, पीरियड वही है, वो शायद थोड़ा सा बाद में ना हो, इससे मेरा ख्याल है बाद 80-81 हो सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी वाला तो सवाल किया जा सकता है। जी कीजिए कीजिए। हमजा साहब कोई ब्यूरोक्रेट भी थे? नो सर। सूफी तबस्सुम, आई थिंक ही डाइड इन द 70s। सूफी साहब लेटर। कितने हो गए? 11 सवाल। 11 सवाल हुए, बहुत पड़े हैं अभी, क्योंकि शायर इतने हैं और उस दौर की जो है ना। चलो पेस कहीं तो कम हुई है, पहले वाले तो आपने। मजीद अमजद, डिडंट ही डाई इन दैट पीरियड? मजीद अमजद सेम पूछे ना, शबे रफ्ता के। या साहिवाल को अगर हम करें तो साहिवाल का कितने लोग? एक एक ही शायर निकलता है उस दौर का, ही मजीद अमजद, क्योंकि मुनीर नियाजी डाइड मच लेटर। यस ओह यस मच मच लेटर। अच्छा जी ये बताइए कि गजल वजह शोहरत थी इनकी? गजल भी वजह शोहरत थी उनकी। जी सर गजल भी है। गजल भी है सर, गजल भी और नज़्म के अलावा भी। गजल गाना गजल वजह शोहरत तो गजल भी है, नज़्में भी कही हैं, नज़्में भी। लेकिन बेसिकली देखें बात सुने, शायर जो है ना वो नज़्म गजल दोनों कहते हैं। फैज़ बहुत बड़ा गजल का शायर था, लेकिन उसे शोहरत दवाम नज़्म ने दी। फराज़ बहुत बड़ा नज़्म का भी शायर था, लेकिन शोहरत उसको गजल ने दी और मेहदी हसन वगैरह ने दी। लेकिन अब ये देख लें कि नज़्म और गजल में तफरीक जो है वो, और नज़्म गजल फिर सोनेट भी है वो, नून मीम राशिद इज अनदर नेम, कि नज़्म नज़्म होती है, गजल गजल होती है, दोनों मुख्तलिफ असनाफ सुखन है। और नासिर काज़मी ने बहुत नज़्में की, बहुत नज़्में कही हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत गजल है। मुनीर नियाजी ने बड़ी नज़में कही हैं, वजह शोहरत गजल है। क्या बात, तो ज़हन में रखिए। नून मीम राशिद ने बहुत गजलें कही होंगी, लेकिन मैंने एक भी नहीं पढ़ी, वो सोनेट है, नज़्म है। गजल इज वजह शोहरत। गजल भी है लेकिन वजह शोहरत गजल नहीं है, गजल भी कही है। वजह शोहरत नज़्म है, वजह शोहरत मजीद अमजद का पूछ चुके हैं, कर चुके हैं, क्योंकि वो वजह शोहरत नज़्म है। साहिवाल शबे रफ्ता इनकी किताब है? नो सर। क्या सोनेट इनकी वजह शोहरत है? यस सर। आपने नून मीम राशिद पूछा? यस सर। गजल के नाम से हरगिज नहीं जाने जाते। उनका नाम नजर मोहम्मद राशिद, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से था, और बहुत बड़े शायर। एक होता है अच्छा शायर, एक होता है बहुत अच्छा शायर, एक होता है बड़ा शायर, एक होता है बहुत बड़ा शायर। तो आपके मुल्क ने जो चंद एक बहुत बड़े शायर पैदा किए हैं, उनमें से एक नून मीम राशिद। वेरी गुड पर्सन। इनका एक बेटा एम्बेसडर भी रहा, फॉरेन सर्विस में था। तो नेक्स्ट कैफे पेटन की तरफ चलते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर ताहिर। उमर साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर। लाहौर से, सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी शख्सियत मर्द है ताहिर साहब? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। एशियाई नहीं है, मर्द है, जिंदा है। यूरोपियन? ताल्लुक अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका जा रहे हैं। ताल्लुक अमेरिका से भैया? जी। पहला अमेरिका आया मेरे ख्याल है पूरे वीकेंड पे। यूनाइटेड स्टेट से है? जी। अ यूएस पर्सनालिटी हुज अलाइव? हुज अलाइव। बिग बिजनेस है? नहीं सर, कौन सा बिग बिजनेस में हमने छोड़ा, कौन सा, सारे तो हो गए। शोबिज मोस्ट प्रोबेबली पूछ ले, क्योंकि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी जो अहम ओदे हमने तो मेयर्स तक कर लिए हुए हैं। रूडी जुलियानी हो चुका है। भैया शोबिज से ताल्लुक है? जी। मूवीज और टेलीविजन? मूवीज मोस्ट लाइकली। हां मूवी मूवी मूवीज देन द एक्टर, देयर आर टू मेनी ऑफ देम। टू मेनी ऑफ देम, अब आगे इट विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस। टॉम क्रूज हो चुका है? जी जी टॉम क्रूज हो चुका है। उसकी फिल्म आ रही है ना मैवरिक, 27th को रिलीज होगी। मैवरिक एक तो आई हुई है उसकी, मेल गिब्सन की? नहीं नहीं, टॉप टॉप गन मैवरिक आ रही है ना। टॉप गन मैवरिक होगी, क्योंकि मैवरिक एक फिल्म मेल गिब्सन की आ चुकी है, वेस्टर्न। हां वेस्टर्न, वेरी गुड मूवी। तो ये पूछा जाए कि फिल्म या टीवी?
फिल्म जी फिल्म फिल्म फिल्म, फिल्म पे रहे ना, तवज्जो मरकूज करें। एक्टर्स हैं इनमें मैट डेमन, अल पचिनो भी जिंदा है, रॉब डी नीरो भी जिंदा है, ठीक है ना, ये तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। सर एंटनी हॉपकिंस जिंदा, एंटनी हॉपकिंस है, जॉनी डेप है, टॉम हैंक्स हो चुका है, टॉम हैंक्स हो चुका है, मेल गिब्सन हो चुका है। वो हम ब्रेक डाउन करें पहले, अबव 60 बिलो 60 करें ना पहले। हाँ वो तो बिल्कुल हमारा मयार भी यही है। आइए। अच्छा जनाब, इनकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा है? नहीं नहीं, इज ए यंगर पर्सन, यंगर, ठीक है ना। उसमें ये आ जाते हैं मैट डेमन वगैरह, मैट डेमन आ जाता है, लियोनार्डो डिकैप्रियो हो चुका है, हाँ डिकैप्रियो हो चुका है, जूड लॉ, जूड लॉ भी है, इवान मैकग्रेगर है जो उसमें था स्टार वॉर्स में, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, विल स्मिथ, विल स्मिथ इज मेरा ख्याल बिलो 60, ही इज बिलो 60, 58 परहैप्स, विल स्मिथ है, फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलेयर, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, फिर क्रिस रॉक को थप्पड़, ये है सर, क्रिस रॉक को थप्पड़। हमने अभी डिटरमिन कर लिया है इज एन एक्टर, हाँ शोबिज से ताल्लुक एक्टर हमने पूछा है, नहीं सर यही मैं उम्र पूछी है, यही मैं पूछने लगा था कि एक्टर। अच्छा जनाब, वजह शोहरत अदाकारी है जी। कितने क्वेश्चंस हुए जी? 8 क्वेश्चंस। अदाकार है, 60 साल से कम है तो बहुत हैं, नए भी हैं, लेकिन मरूफ होना चाहिए ना, बिग बॉडी ऑफ वर्क। एक तो बैटमैन सीरीज है, या वो जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन, मार्वल, मार्वल यूनिवर्स। ये आयरन मैन वाला जूनियर जो है ना, हाँ रॉबर्ट डाउनी, ही इज वेरी गुड, इसको आप जरा ईयर मार्क कर लें, रॉबर्ट डाउनी को कर दिया, रॉबर्ट डाउनी को कर लें। अब देखें यंग एक्टर्स हम बेशुमार हैं, इतने एक्टर्स को 20 सवालों में हम कैसे पूछ सकते हैं? नहीं आनो, बट वो नैरो डाउन कर देना, ये जो फ्रेंचाइजेज है ना, जैसे बैटमैन है, किसी ऐसी जो फिक्शन जो है ना, फैंटेसी कैरेक्टर पूछे। अच्छा जी, ये मार्वल यूनिवर्स में इन्होंने रोल्स किए हुए? नहीं नहीं, तो एवेंजर्स निकल गया, रॉबर्ट डाउनी निकल गया, ये सारे निकल गए। अब रह गया डीसी कॉमिक्स, जिसमें बैटमैन आ जाता है, सुपरमैन आ जाता है, वो भी पूछ रहे हैं। डीसी कॉमिक्स के कोई रोल? नहीं नहीं, ये भी गया, 10 सवाल हो गए। मैट डेमन रह गया, मार्शियन, द मार्शियन उसकी फिल्म है बहुत बड़ी। मैट डेमन ये? मैट डेमन, डेमन की सर अपना बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न आइडेंटिटी भी है, सेविंग प्राइवेट रायन, सेविंग प्राइवेट रायन भी है, बड़ा कमाल एक्टर है। हाँ और वो भी, वो वैनबर्ग क्या है वो सर, उस वाला शूटर वाला, हाँ मार्क वॉलबर्ग, मार्क वॉलबर्ग, वॉलबर्ग, वेरी गुड एक्टर, परफेक्ट स्टॉर्म आल्सो ना, परफेक्ट स्टॉर्म एंड शूटर, वो जो जिसमें जैक निकल्सन होता है, डिपार्टेड, डिपार्टेड सारे थे उसमें, क्या कास्ट है उस फिल्म की सर। ये हमने मैट डेमन को क्यों साइड, उसको कर लें पहले, उसको कर लेते हैं। मैट डेमन और बोर्न, बोर्न ट्रिलॉजी, बोर्न ट्रिलॉजी, हाँ का हीरो, ये हो सकता जनाब, ये बोर्न ट्रिलॉजी का हीरो है जी। अच्छा द मार्शियन हुई है, उसके बाद भी पूछना है, हाँ बोर्न ट्रिलॉजी का अगर हीरो है, मैट डेमन पूछा आपने भैया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक। वेलकम बैक, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस, इन हाउस है पूरी टीम, नहीं सर इनको कुछ नहीं पता, नहीं, ये हम में से नहीं है। यार तुम किन में से हो? अच्छा हम लाइक खैर में से हैं, यहाँ से बात अब तीनों वही हो, हाँ जी तीनों वही हो, दो प्लंबर बैठा है, इंजीनियर बैठा है। अच्छा जी, मर्द? जी सर। जिंदा? नो। एशियाई? हाँ जी। साउथ एशियन? जी। इंडिया से ताल्लुक है? जी। वाह वाह, जो जिंदा नहीं है जी, कितनी जी, कितनी पुरानी शख्सियत, आइए जी, 50 साल से ज्यादा इंतकाल को? जी सर। आहा, सो 100? हाँ 100 पे जाइए। 100 साल से ज्यादा? जी सर। ओए एंशिएंट, ये तो मतलब चले गए ना, 200 पे जाएं, 1922 से पहले, 1922 से पहले, थोड़ा बहुत पहले, मुझे क्या पता थोड़ा बहुत, इससे पहले 150 साल पे चले, 150 साल से ज्यादा,
Almost. Almost. Thank you. Thank you. That is a relief. Yes. 1872 के नज़दीक एक तो आपके बहादुर शाह जफर जो रंगून एक्साइल किए गए. He died before that, 61-62. Really? Within 4 years of exile? I think so. ये हम कह रहे हैं 1872 के बाद इनकी डेथ हुई है. Around that time. Around I said almost 150 साल. जी पहले उस पर आ जाएं, हम शोभा पे आ जाएं. Definitely सियासत. ठीक है जी, सियासत और हुकूमत. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? Indirectly कह सकते हैं. Indirectly कह सकते हैं. अरे ओ, कोई शायर ना पूछा हो गालिब जैसा. उसका indirectly या directly सियासत और हुकूमत से क्या ताल्लुक है भाई? नहीं है ना. और वो इज़ आई थिंक मच अर्लियर. अराउंड सेम टाइम आई थिंक. नहीं, 1870s जो है ना, दिस इज मोर सर सैयद. सर सैयद तो 1898 में डेथ हुई. जी जी, वो काफ़ी बाद की बात है. इज़ ये मुस्लिम? जी सर. तो मुस्लिम कोई शायर. ये सन कौन सा बनता है ज़रा बताइए. 1872 के आसपास की, 70-74 समझ. ये अलीगढ़ तहरीक हो चुकी थी, म्यूटनी के बाद की बातें हैं. म्यूटनी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, म्यूटनी वो कहते हैं. और हम तो जंगे आज़ादी कहेंगे ना. हम तो जंगे आज़ादी. सर जंगे आज़ादी तब कहें जो कामयाब होगी. जंगे आज़ादी ने तो हमें बर्बाद कर दिया था. हाँ, आई नो. और उसका सारा माइलेज ले गया हिंदू और सिख. बिल्कुल सर. सैयद कॉल्ड इट अ म्यूटनी. ही कॉल्ड इट अ म्यूटनी. और असबाब बगावत हिंद में उन्हें बहुत सारे कन्फेशंस देना पड़े थे. लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया छापना पड़ा था. अच्छा जी, दूसरा तो देख रहे हैं. दूसरा शोभा कौन सा? शोभा, शोभा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. आप पूछिए जी. इल्म फजल. इल्म फजल हर ताल्लुक इल्म फजल से है? नो. कोई एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट 1870s? कोई मौर्रख भी नहीं है. ही वाज बोर्न मच अर्लियर. ही डाइड इन 1872 के लगभग. मुस्लिम लीग से तो पहले. हमने बख्त खान भी पूछा था ना. याद हमने बख्त खान भी पूछा. सर सैयद अहमद खान वहीं से याद आते हैं. हमने बख्त खान पूछ लिया था. पूछ लिया था जी, बिल्कुल. अच्छा जी, जब हमने ये कहा तो क्या रिलीजियस पर्सनालिटीज भी आउट? नहीं नहीं, फिर वो पूछना चाहिए. कोई रिलीजियस पर्सनालिटी? नो. 12 सवाल हो गए. जी सर. सच है ना, मौलाना कासिम नानौतवी वगैरह. हाँ वो तो खैर प्योर रिलीजियस. यार असी भी तिन्ने ही रल के कुछ काम ना शुरू कर दिया. मटर कड़ी जाइए बैग. वेला ना तिन्ना च किन्नी बरक साले हो सी चुप बैठे. असल में बात सारा ये है कि सब हम तिनो मानुष है. हाँ यार, वैसे मैं बैठा बैठा सोच रहा सी भी वाकई कैफी यार. यार कुछ करना चाहिए सानू बाहर में रख. अच्छा इन्हें कोई एक चीज जोड़ दिया करें यहीं पे, कोई जैसे ये ना ताश खेलते रहे. नहीं, मटर ले आते. मटर तो काम की चीज देना, और कुछ नहीं तो कपड़े देते कढ़ाई करते रहे. मटर इज अ गुड आईडिया. शेलिंग पीस हैज थेरापीयूटिक वैल्यू. बिल्कुल. तो चाइना वाले तुम्हें पता पैदल चले ने सुइयां बनदियां ने. सड़क को काम लगो कोई नहीं. पता क्या मैंने सोच रखा है जानेमन, आप ठीक कह रहे हैं. जब हम वापस आते हैं ना जी जी कनाडा से इंशाल्लाह. लॉयस को कड़ा लगा दे. नहीं यार क्या कमाल, इनको कैफे में लगाने लगे. दैट इज नॉट गुड आईडिया. नहीं, आईडिया उधर से आया. इन्हें कैफे में लगा. नहीं, यू शुड मेक योरसेल्फ यूजफुल. यही तो हम कह रहे हैं. क्या करें सर, वो कैफे में लग जाओ. कैफे में लग जाओ. बेटा मैं तन्नू पहले दूसरे एपिसोड से गया सी, अखीर सानू इन्होंने बाहर कचल कर दिया. नहीं यार ये बाहर है. नहीं नहीं, कैफे के अंदर. हम ये नहीं किया कि किस पार्ट से, सिंध से, यूपी से, पंजाब से, क्योंकि वो जो अफंदी साहब थे जिनका वो था मदरसतुल इस्लाम, इस तरह की पर्सनैलिटी भी हो सकती है ना. भाई दिल्ली से वो हो सकता है, लाहौर से हो सकता है. जो मेन जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है मैं आपको बताऊं, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता, लखनऊ. दैट्स इट. दिल्ली, लाहौर, पहले ये कर लें. या फिर आप अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना चाहते हैं तो फिर एरियाज बना लें, वरना शहरों पे आइए. कलकत्ता, दिल्ली, मेरा हंच
कलकत्ता में कौन? कलकत्ता दिल्ली या लाहौर? प्रॉक्सिमिटी के हवाले से हमसे लाहौर पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाहौर से भी ज़्यादा कलकत्ता और दिल्ली। कलकत्ता में कौन थे जी उस वक्त? बेशुमार होंगे उस वक्त। लाहौर में तो एक तो फ़कीर खाना वाले हैं मुस्लिम, नवाब सलीमुल्लाह जो हैं वो रिवर्स फ्रॉम ढाका ढाका तो मेरा मतलब बंगाल तो है ना। और प्योर सियासत ये कहते हैं सियासत से भी है, वो तो प्योर सियासत, उनके घर पे मुस्लिम लीग का क्याम हुआ, वो यूनिवर्सिटी जो उनके अपने प्रेमिसेस पे थी उसमें मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था, पता है ना आपको, कन्वोकेशन में उन्होंने ऐलान किया गया था। डॉक्टर साहब आपने कहा कि सियासत से इनडायरेक्ट ताल्लुक है जी, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो प्रोफेशन उनका, उनकी वजह शोहरत है कोई जी? डॉक्टर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन? काम करते होंगे प्रोफेशन उनका जो काम, वो कोई इंजीनियर हो सकते हैं, वो कोई डॉक्टर हो सकते हैं, वो कोई पेंटर हो सकते हैं। ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन सर आपने ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन का पूछा है तो वो वजह शोहरत नहीं है। नहीं है? नहीं। कोई वाकया? अच्छा महाबत खान जो है हो चुके हैं? नहीं। कोई वाकया? वाकया कौन सा? वजह शोहरत जो है ना अभी तक नहीं आए, वो मैटर करती है। मुस्लिम पर्सनैलिटी? मुस्लिम पर्सनैलिटी अभी तक हम नीड टू, पहले तो उसका एरिया देखना चाहिए ना। अलीगढ़ के आसपास आपको कोई पर्सनैलिटी? फिजिकल एरिया, वकारुल मुल्क उस पर फिट इन नहीं होते। बाद के हैं? बाद के कैसे? मतलब मुस्लिम लीग जब बनी उस वक्त मुस्लिम लीग नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम मदरसा सर सैयद के साथियों में से। लेकिन वो तो फिर जैसे सर सैयद की डेथ हुई 1898, ये तो बाद में फौत हुए ना, 26 साल बाद 72 से। अच्छा जी, तहरीक आज़ादी के लोगों में से मतलब ये राय अहमद खान खर, ही फिट्स द बिल। व्हेन डिड ही डाई? क्यों जी? लेकिन वो तो पहले का नहीं हो जाएगा? कैसे? व्हेन डिड ही डाई? 1850s उसी आसपास का टाइम है। अब ये 1870 की बात हो रही है, ये 1870 की बात की 1872 की 1870 से 74 आप समझ लें, यानी अंग्रेज का दौर था। अंग्रेज का दौर, फ्रीडम फाइटर पूछा इन्होंने, डेफिनेटली सिर्फ वही तो एक नहीं था ना, ये जो पीरियड है इसमें फ्रीडम फाइटर, वाज ही अ फ्रीडम फाइटर? यस यस ही कैन बी। निजाम लोहार ये सन देख लें उसके आसपास है, इट वाज मच लेटर देन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 15 साल, 72 जो है वो 15 साल बन जाते हैं। इसी का जनाजा हुआ था ना कोतवाली, कोतवाली लाहौर। एक सेकंड थोड़ी देर रुकिए जरा, पर टिकट लगा दी गई थी इसके जनाजे पे, पता है आपको? ₹2 और हाउस फुल था उस वक्त, बड़ा महंगा टिकट है उस दौर में, ₹2 सर। निजाम लोहार, इनका जनाजा लाहौर में हुआ था जी, उनके जनाजे पर टिकट लगा दी थी सरकार ने। आपने निजाम लोहार पूछा है, personality, what a great personality, my tributes, my homage to the freedom fighter, jo us waqt ki establishment ke aage seena safar ho gaya, kaha tum kar lo jo karna, wohi log yaad rehte hain, usne bhi wohi log yaad rehte hain bilkul jo us waqt khade ho jate hain, wo lamha kisi ko taufeeq naseeb hoti hai, mauka sabko milta hai, jab mauka milta hai aap jadde bhag jate hain, khade hone ka mauka bilkul तौफीक नहीं दी अल्लाह ने आपको, वसाइल दे दिए, मौका दिया, मच्छर काट रहे थे आगे, उसके अपने दोस्त ने देखे ना, उस वक्त भी मीर जाफर मौजूद थे, सुजा सिंह वाज हिज मीर जाफर, उसने मुखबरी की थी, उसने बताया था ये जो जुडास केस है ना, ये इसकी तारीख बड़ी तवील है, ये उस वक्त से चल रही, बल्कि उससे भी पहले, फ्रॉम द लास्ट सफर से भी पहले थी, लेकिन लास्ट सफर को उसने पिक्चराइज कर दिया सही मानों में। बट आई वंडर लोग कर कैसे लेते हैं, बाद में आप इस सोच के साथ, इस जमीर के साथ जिंदा कैसे रह सकते हैं? सुजा सिंह उसका दोस्त जिसने मुखबरी की, और मामला फिर चलते चलते आगे, इवन राय अब्दुल्ला के साथ यही हुआ था, इवन राय अहमद खान खर के साथ, सरफराज फतियाना यही होता है, और मुराद फतियाना ने फिर उसको एवेंज किया। इस वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटियत ओपन माइक। वेलकम बैक जी। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस
मर्द जी जिंदा नहीं एशियाई जी ताल्लुक साउथ एशिया से जी नहीं शकील साहब पाकिस्तान इंडिया बाद में पूछिएगा पहले वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके नहीं नहीं 25 साल से ज्यादा ऑलमोस्ट ओके ऑलमोस्ट शोभा ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया 97 के इर्द गिर्द ताल्लुक पाकिस्तान से नो नो इंडिया 97 के करीब करीब जी 97 व्हेन वाज द गांधी किल्ड 84 पूछ लें इंडिया का जी इंडिया पूछ लिया हमने नहीं पूछा पाकिस्तान ताल्लुक इंडिया से जी कौन कौन से क्वेश्चंस हो चुके हैं जी सर मर्द है जिंदा अ डेड इंडियन मेल जिसकी डेथ अराउंड 1997 हुई ओके तो शोभा शोभा पे आ जाए शोबिस सियासत और हुकूमत गांधी राजीव गांधी असैसिनेटेड राजीव वाज असैसिनेटेड इन 88 में तो ज़ियाउल हक़ मिल के आया था 87-88 में जब जफ़ा डिप्लोमेसी बिल्कुल अरे उसके बाद इट वाज 90s अर्ली 90s वायलेंट डेथ और उसकी रिसेंटली उसके जो मर्डर में इन्वॉल्व थे उसकी रिहाई हुई है जो मास्टरमाइंड था उसका श्रीलंकन हाँ उसकी रिहाई हुई है रिसेंटली आई थिंक साउथ इंडियन था वो तामिल टाइगर्स टाइगर्स तो ये सियासत हुकूमत पूछा जाए फिर जी पूछा जाए सियासत हुकूमत से ताल्लुक जी सियासत और हुकूमत से ताल्लुक जी हाँ प्राइम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर राजीव वाज प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त नहीं था उस वक्त ही वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शन असैसिनेटेड नो नो गांधी इज आउट 10 क्वेश्चंस इज आउट टाइम क्या है ये जो 97 के करीब करीब सियासत और हुकूमत है 97 है आप देख लेना हाँ। क्या कौन कौन था वाजपेयी ताल्लुक इससे पॉलिटिक्स से है ना प्राइम मिनिस्टर होगा कोई तो इसी पीरियड में किसकी वाज ही जो पूछ लिया आपने प्राइम मिनिस्टर का नहीं प्राइम मिनिस्टर थे जी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रहे हैं थे का मतलब रहे हैं व्हेन डिड नरसिम्हा राव डाई नरसिम्हा राव व्हेन डिड ही डाई नरसिम्हा राव मे बी लेटर बीजेपी नरसिम्हा राव बहुत बहुत बड़ा आदमी एक तरफ आपका कांग्रेस एक तरफ आपका बीजेपी आके गुजराल कब थे एक वो भी था जो जिसकी एक बड़ी मशहूर फैमिली नंदा फैमिली से ताल्लुक जिसका जो नाम के साथ गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल वो बहुत पहले वो 60s में थे लेकिन वो एक्टिंग थे Acting Prime Minister. Lekin he died much later. He might have died later. Much later. 70s, 80s, 90s. He was acting chand din ke liye bane. Maine transition ke liye aaye. Nanda ko kyun puchenge? Itna wo nahi hai na. This has to be somebody who's well known. Okay. Nahi, Gulzari Lal Nanda was quite well known politician. I.K. Gujral. Lekin ye Gujral, agar Gujral isi mein fall karte hain, to Gujral... पूछ रहे ताल्लुक पाकिस्तानी इलाके से गुजराल वाज फ्रॉम झेलम गुजराल वाज फ्रॉम झेलम मनमोहन सिंह इज अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फ्रॉम चकवाल एक अच्छा आदमी है जिसकी मुझे तवक्को है खुदा करे कभी वो फिर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो तो हमारी दोस्ती हो उनके साथ गुजराल उसमें फॉल करता है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी तो गुजराल वाज प्राइम मिनिस्टर सर 90s में गुजराल के साथ मेरा बॉस खतो किताबत किया करता था हनीफ रामे गुजराल डॉक्ट्रिन इंदर कुमार गुजराल वाज हनीफ रामेज वेरी डियर फ्रेंड और उनकी आपस में खतो किताबत होती थी इनका और गुलजार का डिस्ट्रिक्ट एक है और फवाद का पूछ ही लें फवाद चौधरी जी डिस्ट्रिक्ट इन उन इलाकों से ताल्लुक जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं ताल्लुक उन इलाकों से जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है ताल्लुक से क्या मुराद है पैदाइश जामपल जी लो जी गुजरा लीजिए झेलम से ताल्लुक है इनका नो फिर ये वही है नंदा ही है क्योंकि आई थिंक ही वाज बोर्न इन दिस पार्ट ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए थे जी वाह साहब मालिक क्या कहने मालिक
He was a Sialkoti. आपने गुलजारी लाल नंदा पूछा है. ये थी आज के एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.